हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। ऐसी जगह चलेंगे हम लोग, तो मिलेंगे आपसे वहीं और बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलते हैं और बताते हैं आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए तो लाए हो ना यार, ले चलो। क्या ट्रैक्टर कहीं को हो क्या? राजू करो। हाँ। राजू के ट्रैक्टर। राजू कौन है तुम्हारे? हाँ तो पापा का हो ना राजू का एक हाथ, हमारा तो नाना है। चलो चलो चलो। चलो 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 तो आम खाने को मिले, तरबूज खाने को मिले, ठीक है, और खीरा खाने को मिला। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ। ये जो है वो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन है, बाकी आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। खीरा खाइए, खीरा खाने को मिला, मक्खी आ गई थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब साफ़ सुथरा था। तो आप देख करके अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ भाई। आम और तरबूज खाने को मिले हैं। वैसे बचपन में जो है हम लोग आम खाने के लिए नानी के घर आते थे, तो नानी के घर आए हैं, बाकी आम खाने को मिले हैं, तरबूज खाने को मिले हैं। बाकी घर के आसपास जो है सब बना हुआ है। वो इधर कुआं है, ये इसमें हम लोग बचपन में जब आते थे तब पानी जो है होता था, लेकिन अब नहीं है। अब तो कुएं में पानी है ही नहीं, हम लोग जो है समरसेबल और नल से निकालते हैं। तो भैया अब तो ये सूख चुका है, नहीं तो हम लोग जो है गर्मियों में इसी से पानी निकाल करके नहाते थे। नल लगा हुआ था लेकिन जो है फिर भी नहाते ही थे। जब आते हैं तो बचपन की यादें जो है एकदम ताज़ा हो जाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यही रूम है, यही कमरा है, इसी में हम लोग रुकते थे। और भी सारी यादें हैं, जब आते हैं तो फिर यादें पूरी एकदम जो है फ्लैश होती हैं। यही नीम का पेड़ है, इसी नीम के नीचे हम लोग जो है गर्मियों में बैठते थे। तब ये जो है नहीं बना हुआ था, अभी कुछ साल पहले जो है, मतलब एक दो साल पहले ये बना है। और ऊपर चलते हैं, ऊपर ये जीना लगा हुआ, ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या है। पहले तो जीना नहीं बना था, पहले एकदम सीधे था, तो इस पर जो हम लोग सरकते थे पैंट फट जाती थी। पहले हम लोग मालूम यहाँ पर छत पर सोया रहा, तुम सोया कब? हूँ हवा में यहाँ टेढ़ो हो जाते यार, कस के बांधे कहा कुछ बंद तो लाओ ऐसे परो रहा दे यार। जय बजरंग बली। ये बंद हो तो है लेकिन हवा में जो नहीं हो जाती। क्या आराध, ये वाले घर में कोई नहीं रहा थे? तो नए वाले घर में रहा का? पतंग उड़ी रही है यार, पता ना है तुमका, बताओ ये तुम बताओ ना यार, पतंग लिए होते तुम्हारे लिए? हाँ ठीक, पतंग ले कही वो के यो गोड़ा कही वो है सुमित, ये कहाँ पर रहा थे? कानपुर में रहा थे इनके यहाँ कोई? ये घर कही को ये सुमित, ये तो हमेशा ऐसे बंद है, जब हम लोग यार छोटे छोटे तब वो ऐसे रहा है। चलो अच्छा नीचे चलो, बैडमिंटन चलो बैडमिंटन।
दिखाओ। ये वहाँ था था ये आराध्य सिंह कौन लिखो है? मम्मी लिखो। अरे यार देखिए और देखो कहाँ कब लगा रहे मेहंदी? बरगदाही वाले दिन जब उन्होंने पूजा रहा है। आराध्य आराध्य तो स्पेलिंग गलत है। डी डी के बाद ये चाहिए आराध्य। हाँ कल सही कर ली। तो सही करा ली हो रहा है मम्मी। कुछ रहा जो नहीं आराध्य दिखाई रहे सब। कहाँ लगे अनार? ये क्यों नाम का है? वही को फिर यार कैसे तीन है का? ओ, ए, तो यार भागत आई रही। कहीं के छोटे वाले। वाह भाई वाह कितने बड़े बड़े अनार हैं भाई। अमन निकट तो है भाई। क्या नाम है? पुरानो वालो है अनार? पुरानो वालो है? ओ तो बहुत पुरानो है ये तो। ये पुरानो लाना कितने साल हुए भाई? हम लोग जब अयर तब तो ये है तो ये अलग तब तो कितने साल हुए? 30-40 साल हुए कहा? अच्छा और ये काहे करो? ये बड़े बड़े का बेल है का? ना अनार ये हो तो बड़ो बड़ो। हाँ। ओ बहुत भारी भारी अनार ये तो बड़ो होते है। अच्छा मैं सब में बड़े बड़े लागे थे के तो हां हां पापा हम उधर बड़े लगे। ये वाले छोटे छोटे हैं भाई। ये छोटे हैं ये मत छोटे हो या। अच्छा अच्छा लाल है होते हैं। हां हां कहां उधर चलो उधर भाई। पता नहीं कौन पेड़ है यार यू के फोटो ले लो और फिर वहाँ तक देखो ये अनार लगे हैं है? हमारे यहाँ नहीं लगे तुम्हारे यहाँ लगे हैं अनार। तो ये अनार लगे हुए हैं काफी अनार है। और ये जो है किसका पेड़ है? ये वाला बेरी का पेड़ है मतलब बेर लगते हैं इसमें है? है नहीं। और ये वाला पेड़ जो है पता नहीं किसका वो जो पास में है वो जो सीधा सा गया है ये पपीता का पेड़। हाँ पपीता का पेड़ गिर गया तो ये नया लगा गया। गिरते ही जा रहा थी। लकड़ी लगा दी गई। अभी बताते हैं चल के। ये नीम का पेड़ है जब छुट्टियां होती थी तो यही इसी ऊपर छत पे गई है ना नीम ये तो इसी पे जो है वहाँ पे चारपाई डाल करके बैठते थे। और जो है बड़े वाले मामा जो सत्यन मामा है उसमें बैठ के पढ़ते थे। हम लोग भी यहीं पे पढ़ते थे। सुना कौन वाली? कौन सी कविता सुनी? इंग्लिश हिंदी कुर्सी बोली चर्चा वाली। आलू के चालू कहाँ गए थे? कौन आ लिया वो? हाथी राजा। हाँ हाँ सुना हाथी राजा। हाथी राजा बहुत बड़े सुनने का कहाँ चले मेरे घर भी आओ ना रुआ पुड़ी का आओ ना आओ बैठो कुर्सी पर चटर पटर। इंग्लिश वाली सुनाओ। तो हम लोग जो है घर से निकलते हैं और नानी जो है भावुक हो जाती हैं क्योंकि थोड़ी देर रुके थे। वो कह रही थी जो है कि थोड़ी देर और रुकते तो पहले आते लेकिन जो है रुक नहीं पाते हैं। और हम और हमारे भाई जो है वो खेत पर जाते हैं कद्दू लेने और तरबूज ये सब लेकर के घर जाते हैं। तो देखिए उसी के खेत में गए हैं मतलब तरबूज के खेत में गए हैं और इधर जो है कद्दू लगा हुआ है और नाना भी आपको दिखेंगे वो जो है तरबूज रख रहे हैं तो अभी आपको दिखेंगे। वो देखिए ये आपका कद्दू लगा हुआ है। अब नाना जो है तरबूज रखेंगे तो नानी के घर जब जाना होता था तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो रखेंगे ज़रूर चाहे वो आम हो या कुछ भी होगा तो रखेंगे ज़रूर। तो तरबूज जो है लेकर के हम लोग घर आते हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग समाप्त होगा। बाकी अभी आपको दिखाते हैं कि तीन तरबूज और तीन कद्दू लाए हैं हम लोग और इनको खाया जाएगा। जो कुछ किया जाएगा वो आगे देखेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।